भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 12 रनों से जीता। साथ ही दूसरा मुकाबला बड़े आसानी से 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना लिया है। ऐसे में आज होने वाले तीसरे वनडे मैच को टीम इंडिया जीतकर सीरीज 3-0 से व्हाइट वॉश करना चाहेगी, तो साथ ही न्यूजीलैंड की टीम तीसरे मैच को किसी हाल में जीतना चाहेगी। हम आप सभी को बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसे में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 को लेकर सभी के मन में प्रश्न है। या दोस्तों, 2023 के वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम बैच पर बैठे कुछ खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी। ऐसे में हम आप सभी को बता दें, भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल ओपनर, साथ ही मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, वहीं गेंदबाजी क्रम में वाशिंगटन सुंदर, साथ ही कुलदीप यादव के जगह आज युजवेंद्र चहल व शार्दुल ठाकुर के जगह उमरान मलिक को मौका मिल सकता है। तो दूसरी तरफ मोहम्मद शमी व मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में भारतीय टीम 3-0 से सीरीज अपने नाम कर पाएगी कि नहीं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।